हेलो फ्रेंड्स, आपका एंजल क्रोशेट में स्वागत है। तो आज हम आपको एक न्यू डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। आप इस डिज़ाइन का यूज़ कोई भी किस कवर बनाने में कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने टू कलर के ऊन का यूज़ किया। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप उस कलर की ऊन का यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे। अगर आपको ये मैजिक रिंग नहीं बनानी आती है तो इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हो। मैजिक रिंग बनाने के बाद में हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1, 2 और ये लास्ट 3। अब इस मैजिक रिंग के अंदर हम 11 डबल क्रोसिया बनाएंगे। डबल क्रोसिया बनाने के लिए पहले धागा लेंगे, इस होल में डालेंगे, धागा निकालेंगे और पहले 2 धागे निकालेंगे, फिर 2 धागे निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 डबल क्रोशिया। और ये जो चैन है इसे भी हम 1 डबल क्रोशिया के लिए गिनेंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। तो हम इसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए और अब हमें 10 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल 12 डबल क्रोशिया। तो पहले हम इस होल के अंदर 12 डबल क्रोशिया पूरे कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 12 डबल क्रोशिया कम्प्लीट कर लिया है। अब हम ये जो मैजिक रिंग का ये जो छोटे वाला धागा, इसे हम ऐसे खींच कर टाइट कर देंगे और अब हम यहाँ से नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो ये जो होल है हमारा, यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे। ये जो हमने 3 चैन बनाई थी, 3 चैन के ऊपर जो 3rd चैन है इसके होल के अंदर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और 1 स्लिप स्टिच करेंगे। क्रोशिया डाला तो ये 2 धागे हो जाएंगे। ये जो 1st वाला धागा है इसे 2nd वाले धागे से पास कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 चैन बना ली और अब धागा लेंगे और सेम इसी होल में जहाँ से हमने ये चैन बनाई थी वहाँ सेम इसी होल के अंदर क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर भी ऐसे करेंगे। क्रोशिया डाला, धागा लिया, क्रोशिया डाला, 1 डबल क्रोशिया बनाया, सेम इसी होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि इस रो के अंदर हम हर एक चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हमारी रो के अंदर हमारे पास थे 12 डबल क्रोशिया और 2nd रो में हमारे पास हो जाएंगे 24 डबल क्रोशिया। तो पहले हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 2nd रो कम्प्लीट कर लिया। अब हम रो 3rd बनाएंगे। तो वापस से हम 1, 2, 3 ये जो 3rd स्टिच है इसके अंदर क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर 1 स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। अब यहाँ हम जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया है इसके ऊपर ही 3 चैन बना लेंगे, 1, 2, 3। अभी सेम इसी होल के अंदर जहाँ पर हमने ये चैन बनाई है यहीं पर सेम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2nd चैन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि 3rd होल में हमें पहली चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और 2nd चैन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारी फिर से पहली चैन है, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चैन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर से पहली चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, सेम इसमें डाला, 2रा बनाया और नेक्स्ट के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये 3rd रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 3rd रो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर 3rd जो ये चैन थी हमारी इसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे और 4th रो शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से 4th रो शुरू करेंगे। तो फिर से 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। 3 चैन ली और सेम जहाँ पर हमने ये चैन बनाई है वहीं पर हम फिर से क्रोशिया डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम पहले हमने 3rd चैन में हमने एक एक बार बनाया था, हर 2 डबल क्रोशिया के बाद में 1 बार डबल क्रोशिया बनाया था और 4th चैन में हम 2 बार बनाएंगे। तो हमने पहले 2 बार एक साथ बना लिया, अब 2 बार अलग अलग बनाएंगे। तो ये पहली चैन है, मैं इसमें क्रोशिया डाला और 1 डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाया। तो पहले हमारे हो गए 2 बार, फिर 1 बार, फिर 1 बार, फिर इसमें भी ऐसे करेंगे आगे भी, पहले 2 बार, एक बार बना दिया, सेम धागा लेंगे इसी होल में डालेंगे, धागा निकालेंगे, 2 बार निकालना, 2 बार निकालना। तो ये हो गए 2 बार हो गए 1 चैन में। और फिर से एक बार बना दिया, फिर से नेक्स्ट होल में 1 बार बनाएंगे। तो हम ये 4th राउंड पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 4th चैन कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे राउंड 5। तो पहले हम 1, 2, 3 ये 3rd होल है यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे
और यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। और अब हम थ्री चैन बनाएंगे, 1 2 3 और धागा लेंगे और सेम इसी होल के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे हो गए 2 डबल क्रोशिया। तो पहले हमने दो डबल क्रोशिया को एक एक बार बनाया था, 2 डबल क्रोशिया को एक बार बनाया था और इस होल के हम होल सॉरी इस रो के अंदर हम 3 बार अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हमने पहले इकट्ठे बना दी, अब हम नेक्स्ट जो चैन है इसमें क्रोशिया डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकेंड चैन में क्रोशिया डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड चैन में क्रोशिया डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एक बार पहले में एक बार दो 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 और बाद में 3 बार अलग अलग, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक होल के अंदर और फिर 3 होल के अंदर अलग अलग डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो ऐसे हम ये 5th राउंड कंप्लीट कर लेंगे। पहले ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 5th राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ 1 2 3rd चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे हम। और यहाँ पर अब जहाँ पर स्लिप स्टिच किया हमने वहीं पर अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और सेम जहाँ से हमने ये स्लिप स्टिच किया वहीं पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। यानी कि ये पहले में हो गए 2 डबल क्रोशिया और अब हम नेक्स्ट 4 होल के अंदर करेंगे एक एक डबल क्रोशिया। पहले हमने 3 के अंदर किया था, अब हम 4 के अंदर करेंगे। ये फर्स्ट होल है, फर्स्ट में 1, सेकंड में 1 और 3rd होल में भी 1 और 4th होल में भी 1 और नेक्स्ट 1 ये पहला होल है, इसके अंदर अब हम फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमने कर दिया, सेम इसी होल में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। और नेक्स्ट 4 होल के अंदर अब हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 नेक्स्ट के अंदर 3 नेक्स्ट के अंदर 4 और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 सेम इसी होल के अंदर दूसरा। तो ऐसे हम ये 6th राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 6th राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अब हम कलर चेंज करेंगे। तो 1 2 3 ये जो 3rd होल है यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे, धागा निकालेंगे। अब स्लिप स्टिच करने के बाद में हम यहाँ 1 चैन लेंगे और थोड़ा सा धागा रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ अब हम नेक्स्ट कलर से यहाँ पर डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम नोट लगा लेंगे, ऐसे करेंगे इस वाले धागे को यहाँ से ऐसे। इस नोट को हम जहाँ पर हमने ये लास्ट में स्टिच बनाया था, स्लिप स्टिच करके नोट लगाई थी, यहीं पर से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से क्रोशिया डालेंगे और इसे यूँ बाहर निकाल लेंगे और इसे पीछे से ऐसे खींच के टाइट कर देंगे। और यहाँ पर हम 1 नोट लगा लेंगे और अब यहाँ पर हम 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अब हम यहाँ पर बनाएंगे ट्रिपल डबल क्रोशिया। तो ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाने के लिए पहले हम 2 बार धागा लेंगे, 1 2 और सेम इसी होल में जा डालेंगे जहाँ पर हमने ये चैन बनाई है और धागा निकालेंगे। अब हम 2-2 करके इन धागों को बाहर निकालेंगे, पहले 2 बार निकाला, फिर से 2 बार निकाला और फिर से 2 बार निकाला ऐसे। और ये ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद में हम ये वाला धागा थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर अब हम पफ बनाना है तो ये धागा थोड़ा बड़ा कर लेंगे और यहाँ से धागा लेंगे और इन दोनों धागों को ऐसे उंगली के नीचे यूँ दबा के रखेंगे, फिर क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे। तो ऐसे हम 10 बार करेंगे, 1 बार हमने कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम
ऐसे वापस को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ से इस धागों को पकड़ लेंगे ताकि ये वापस में खींच ना पड़े। तब हम जब हम ये जैसे अब हमने ये धागा निकाल लिया तो अब हम जैसे इसको वापस क्रोसे को नीचे लेके जाएंगे इसके अंदर होल से धागा वापस बाहर निकालेंगे तो इन सभी धागों को ऐसे उंगली से दबा लेंगे ताकि ये वापस फोल्ड ना हो हमारे धागे। तो ये मैंने ये 10 पूरे काम कंप्लीट कर लिए। अब ये 10 कंप्लीट होने के बाद हमें ये वाला धागा लेंगे और टू टू यानी दो दो धागों को बाहर निकालेंगे। क्रोसिया डाला, ये दो धागों को निकाला और इस धागे से इस धागे को यूँ पास कर देंगे। फिर से दो धागों को निकालेंगे, ये दो धागे निकालें और फिर ऐसे से पास कर देंगे। फिर से दो धागों को निकालेंगे ऐसे और फिर से इसे ऐसे पास कर देंगे। फिर से दो धागे निकालेंगे ऐसे, फिर से ऐसे पास कर देंगे। तो जितने भी ये हमारे पास धागे हैं ऐसे हम पास कर लेंगे। पहले दो धागे निकाल लें, फिर से पास कर लिया। फिर दो धागे निकालेंगे, फिर से दो धागे निकालेंगे, फिर से पास कर लेंगे। फिर से दो धागे निकालेंगे और फिर से पास कर लेंगे और लास्ट में ये दो बच के इन दोनों को भी ऐसे पास कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ तक बना लिया है। यहाँ पे लास्ट में हमने वन चैन ले ली थी। अब हम यहाँ पर जो ये हमें लाइन हमें दिखाई दे रही है इनके ऊपर ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। यानी कि ये जो फर्स्ट हमें धागा ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये जो धागे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले ये जो धागे दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये पहला धागा है, इसके अंदर हम क्रोशे डालेंगे और धागा निकालेंगे और ये पहले धागे को सेकंड धागे से पास कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट धागे से ये जो ऊपर धागा दिखाई दे रहा है इसमें क्रोशे डालेंगे ऐसे, ये क्रोशे डाला, धागा निकाला और इस धागे से इसे पास कर दिया। फिर से नेक्स्ट धागे के अंदर क्रोशे डाला, धागा निकाला, इस धागे से इसे ऐसे पास कर दिया। तो ये जितने भी हमें धागे दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक हम पहले इनके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लास्ट तक कर लिया है। अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ लास्ट में। तो पहले हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए धागा लेंगे, क्रोशे इस होल के अंदर बनाएंगे, इस होल के अंदर डालेंगे। पहले धागा लिया, इस होल में क्रोशे हुक डाला, धागा निकाला और इन तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा हो गया हाफ डबल क्रोशिया। अब हम इसे ऐसे टर्न कर लेंगे और यहाँ जो ये वाली चेन है इसके ऊपर हम इस पूरी चेन के ऊपर हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से क्रोशिया ये यहाँ से ऐसे पास करेंगे, धागा निकालेंगे और वन सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर टू, ऐसे हम इस होल के अंदर टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 10 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम जो यहाँ पर वन चैन, ये जो यहाँ पर ऊपर वाला जो हमें स्टिच दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जो ये हमें चैन दिखाई दे रही है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर देंगे एक। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे। अब हम यहाँ पर वन चैन लेंगे और सभी होल्स के ऊपर वन वन सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यानी कि जो चैन हमें ये दिखाई दे रही है इन सभी चैन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट चैन है, इसमें क्रोशिया डाला, धागा निकाला और वन सिंगल क्रोशिया बनाया। सेकेंड चैन में क्रोशिया डाला, धागा निकाला और ऐसे ऐसे पूरे चैन के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैन दिखाई दे रही है इसके ऊपर सभी के ऊपर हम ये वन वन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लास्ट तक यहाँ तक चैन के ऊपर ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर जो ये हमें धागा दिखाई दे रहा है ऊपर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे। अब
जहाँ पर हमने ये पत्ती बनाई थी उसके नेक्स्ट होल के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यानी कि अब हमें लगातार तीन सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, एक हमने यहाँ बनाया, नेक्स्ट होल में बनाएंगे एक, अब नेक्स्ट होल में एक, इस पत्ती के बाद में हम तीन लगातार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमने ये बना दी, अब फिर से यहाँ तीसरी जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया इसके ऊपर हम फाइव चैन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए दो बार धागा लपेटा, सेम इसी होल में डालेंगे, धागा निकालेंगे, टू बार निकाला, टू धागे को निकाला, फिर टू धागों को निकाला, फिर टू धागों, तीन बार हम निकाल दिए। अब हम 10 बार पफ पफ बनाएंगे, तो इस धागे को बड़ा कर लेंगे थोड़ा, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार निकालिए। अभी ये तला लगा लेंगे और टूट टूट करके सभी धागों को निकालेंगे, 2 ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पर एक लास्ट में एक चैन ले ली और अब जो ये धागे हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर सभी के अंदर हम 1-1 स्लिप स्टिच कर देंगे। ये जो हमारा पहला धागा पहले इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे, जो ये पहला धागा इसके अंदर थोड़ा क्रोशिया हार्ड ली जाएगा, ये क्रोशिया ऐसे ही सेकंड के ऊपर, तो ऐसे हम सभी के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये लास्ट तक बना लिया। अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो धागा लेंगे, होल में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे और फिर टर्न करेंगे और ये जो हमारी रो है इसके ऊपर 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, ऐसे हम इस पर 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये 10 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब जो ये ऊपर वाली हमारी चैन है इसके ऊपर हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे, ये चैन जो दिखाई दे रही है इसमें क्रोशिया डालेंगे, और धागा निकालना, स्लिप स्टिच किया, 1 चैन लेंगे और सभी जो चैन अब दिखाई दे रही है नेक्स्ट इनके सभी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे ऐसे, सभी चैन्स के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ऐसे हम ये यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब जो ये धागा दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ पर अब हमने ये जो पत्ती बनाई थी डिज़ाइन, अब इसके नेक्स्ट होल के अंदर 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट होल के ऊपर 1 1, यानी कि एक एक होल में एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे, एक बार हमने बना दिया सेकेंड होल में और फिर थर्ड होल में, और फिर से 5 बार हम चैन लेंगे। तो ऐसे हम ये बनाते हुए, ये पत्तियाँ बनाते हुए पूरे इस राउंड के ऊपर गोल गोल पहले बना लेते हैं, ये पहले इस राउंड के ऊपर पूरे में हम ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है पूरा राउंड। अब हम यहाँ पर लास्ट में ये 2 बना देते हैं सिंगल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पे हमने फर्स्ट में बना दिया, तो 1 और ये लास्ट 2, और अब हम यहाँ पीछे यहाँ से धागा ले लेंगे जहाँ पर हमने ये पत्ती बनाई है फर्स्ट वाली, यहीं से धागा लेंगे और एक स्लिप स्टिच करके, ये स्लिप स्टिच कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये लास्ट तक बना लिया। अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया मैंने बना दिया, एक और हम यहाँ बना देंगे, 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना दिए, और अब हम यहाँ जहाँ पर हमने ये पत्ती बनाई है शुरू वाली यहीं पर हम क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे, धागा निकाला और फर्स्ट वाले धागे को सेकंड धागे से पास करेंगे, 1 चैन लेंगे और एक थोड़ा सा लॉन्ग धागा रखेंगे और इसे कैंची से कट कर लेंगे इस धागे को। ये देखिए फ्रेंड्स ये धागा हमने कट कर लिया। अब इस धागे की हम यहाँ नोट लगा देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, और जो थोड़ा सा धागा इसे इन दो स्टिच से पास करने के बाद में
इसे हम कट कर लेंगे ये जो, और यहाँ पर भी इस धागे की हम नोट लगा के इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये जो बाहर राउंड जो बाहर वाला पूरा डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर 1 2 3 ये 3 लाइंस के बाद में बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कलर करेंगे रेड कलर से। तो उसके लिए मैंने ये रेड कलर के धागे में नोट लगा लेती हूँ, ऐसे नोट लगाएंगे। इस नोट को थोड़ा पहले बड़ा रखेंगे, फिर ये 1 2 3 लाइन के बाद में यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे और ये पीछे से इस नोट को ऐसे क्रोशिया उस हुक में लगा देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। और फिर इसे वापस सामने यूँ निकाल लेंगे और वापस पीछे से इस नोट को टाइट कर देंगे हल्का सा। और उसके बाद में हम जो सेकंड होल हमें ये दिखाई दे रहा है क्रोशिया जहाँ से हमने ये धागा निकाला, उसके बाद में जो सेकंड होल है उसके अंदर क्रोशिया डालेंगे ऐसे और इस धागा लेंगे ऐसे और सेम यहीं से निकालेंगे और इस धागे से इसे पास कर देंगे। फिर ऐसे नेक्स्ट होल में क्रोशिया डालेंगे ऐसे धागा लेंगे धागा निकालेंगे और इस होल से इसको पास कर देंगे। फिर से नेक्स्ट होल में क्रोशिया डालेंगे धागा निकाल लेंगे और इस धागे से इसे निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट होल में क्रोशिया डालेंगे धागा लेंगे धागा निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट होल से क्रोशिया डालेंगे फिर से धागा लेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी लाइन हम यहाँ तक पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे राउंड राउंड करते हुए हम इसे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये लाइन कंप्लीट करते हुए यहाँ लास्ट तक आ गए हैं। अब हम यहाँ लास्ट में एक को धागा लें, सॉरी, अब हम इसमें से ये लाइन ड्रॉ कर, हमने ये लास्ट तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम धागा लेंगे और इस जो ये फर्स्ट वाला धागा है इसे सेकंड वाले धागे से निकाल देंगे ऐसे बाहर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कैंचीज कट कर लेंगे पहले। ये देखिए, और अब जो ये वाला हमारा धागा है इसे हम इसके बैक साइड से यूँ पास करेंगे और इन दोनों धागों की नोट लगा देंगे 1 और 2। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्रोशिया से डिज़ाइन बनके रेडी हो गया। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।